हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड, मैं आपको बताने जा रहा हूँ सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको एक सॉफ्टी मशीन के बारे में डिस्कस किया हुआ था, सॉफ्टी मशीन के बारे में बताया हुआ था दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन। ये जो मॉडल है ये 3+2+1 वाली मॉडल है। इसमें आपके दो फ्लेवर रहेंगे और एक मिक्स फ्लेवर रहता है। ये मशीन कैसे वर्क करती है, कैसे प्रोसेस करती है, मैं आपके बारे इसके बारे में बताता हूँ। आइए दोस्तों, इस मशीन को ऑन करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग यहाँ से पुश करते हैं। तो ये आपकी देखिए मशीन यहाँ पर स्क्रीन चालू हो गई है। जैसे स्क्रीन चालू हुई यहाँ पर, ये जो स्क्रीन है आपकी इस मशीन की सारी सेटिंग के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए रहते हैं। इसमें आपको कितने कूलिंग करनी है, टेम्परेचर है आपका, आपकी आइसक्रीम की सॉफ्टनेस कितनी चाहिए, है ना, टेम्परेचर भी दिया हुआ, आप कितने कोन इसमें निकालें, वो सारा चीज़ ये मीटर जो है आपको इंडिकेट करता है। इस मीटर के थ्रू हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि सेटिंग बटन दी हुई है। सबसे पहले तो दोस्तों, आप इस मशीन को चालू करने के बाद यहाँ पर एक क्लीनिंग का प्रोसेस दिया हुआ है, आप जैसे देख रहे होंगे, है ना। पहले इसमें हम एक मग पानी डाल देते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर एक पानी डाल रहा हूँ ताकि ये क्या है, टैंक, दोनों टैंक क्लीन हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर जो क्लीनिंग की ऑप्शन दी हुई है, हम यहाँ पर क्लीनिंग बटन मैं यहाँ पर पुश करूँगा। तो आपने जो पानी डाला हुआ है, इससे क्या होगा, आपकी जो टंकी में जितना भी वेस्ट है, ये सारा चीज़ इसमें से क्लीन हो जाएगा। क्लीन करने के बाद यहाँ से आप कीजिए इसको पानी यहाँ से निकालें। देख रहे हैं आप, ये मैंने पानी यहाँ पर डाला हुआ है, क्लीनिंग किया हुआ है, ताकि आपके तीनों वाल क्लीन हो जाए। ये फ्लेवर कैसे मिलाना है, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो पैकेट देख रहे हैं आप, ये पैकेट आपका 1 kg की आती है। इसमें आप 2 लीटर इसमें आपको दूध मिलाना पड़ेगा। ये पैकेट फाड़ के इसमें डाल रहा हूँ। हमको दूध डालना पड़ेगा, ये मैंने दूध डाला। दोस्तों, हमने फ्लेवर बना लिया है, दूध और उस पाउडर को मिक्स करके हमको एक फ्लेवर बनाना रहता है। उसको हमने मिलाने के बाद जो हमारा बना हुआ फ्लेवर है, हम उस फ्लेवर को अपने कंटेनर में डाल देते हैं। जैसा कि हम ये इस कंटेनर में इसको फ्लेवर को डाल दिया हमने। दोस्तों, ये फ्लेवर जैसे हम इसे फ्लेवर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक दिया हुआ है, कूल का बटन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक कूलिंग की जो बटन दी हुई है, हम इसको प्रेस कर देते हैं दोस्तों। इसे प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक मीटर में, जैसे आपने देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने सेट करके रखा है कि इसकी सॉफ्टी का जो हार्डनेस दिया हुआ है यहाँ पर 2.8, और उसका टेम्परेचर जो दिया है यहाँ पर अभी 14 है, और कूलिंग ये हो रही है, टाइमर ये सारा चीज़ इंडिकेट कर रहा है। हमने इसका भी हार्डनेस सेट करके रखा है 2.8 पे। जैसा ही दोस्तों ये सॉफ्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी हार्डनेस की जो लेवल है ये आपकी अप हो जाएगी। अगर दोस्तों, जैसे हम इस कंटेनर में अपना फ्लेवर डालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर मीटर भी देखते हैं, आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसको सॉफ्टी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक टैप दिया हुआ है कूल करके, हम इस कूल वाले बटन को आप प्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पर दिया है कूल, प्री कूल का ऑप्शन दिया हुआ है। हम इस दोनों बटन को पहले इसको प्रेस करेंगे, फिर इसको करेंगे। इस प्रेस जैसे ही करेंगे, हमारा पास ये जो सॉफ्टी हमने डाला हुआ है, मिल्क और ये फ्लेवर डाला हुआ है, वो विद इन 15 से 20 मिनट में आपका ये सॉफ्टी बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसको निकाल सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये हमारी अभी सॉफ्टी तैयार हो गई है। देखिए इसको निकालना कैसे, यहाँ पर दिया हुआ है कोन, यहाँ पर आप कोन रख सकते हैं। कोन मैंने निकाला अभी, ये बटन अब मैं पुश कर रहा हूँ। ये आपकी सॉफ्टी बनकर तैयार हो गई। सर, ये बताइए, ये मशीन खरीदना है किसी को, तो लागत क्या है सर, कुछ बताइए इसके बारे में। तो मैं इस मशीन को खरीदने का प्रोसेस और इसके बारे में, ये मशीन आप उससे कैसे खरीद सकते हैं, ये मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जैसे मशीन खरीदनी, इस मशीन की लागत जो आती है, इसकी कॉस्ट जो है, यह मशीन जो आप देख रहे हैं, ये जो मशीन है आपकी डबल कंप्रेसर की मशीन है, इसकी प्राइस आपको 1,50,000 रुपये पड़ेगी। अगर इसको आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं,
और जस्ट ये से दूसरी मशीन और लेना चाहते हैं आप, इसमें क्या दो से तीन टाइप की मशीन आती है। एक जो आती है टेबल टॉप मशीन, यही मशीन आपको टेबल टॉप मशीन पे भी आती है। टेबल टॉप की मशीन क्या होती है, आराम से पोर्टेबल रहती है, उसे आप किसी भी टेबल पर रख सकते हैं। उस मशीन की प्राइस आपको 1,30,000 रुपये पड़ेगी। और जैसे ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये फ्लोर मॉडल 2+1 मशीन है। और सर इसमें आइसक्रीम कैसे बनाते हैं सर? अच्छा, आपने जैसे पूछा भी मुझसे कि इसमें आपको सॉफ्टी आइसक्रीम कैसे बनानी है, तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको इस वीडियो में दिखाया हुआ था कि इसमें सॉफ्टी आइसक्रीम जो हम लोग फ्लेवर जो हमने बनाया है, फ्लेवर बनाने का तरीका कैसा रहता है। फ्लेवर बनाने का तरीका ऐसा है कि उसमें पहले हम लोग 1 kg जो आपका पाउडर आता है प्रीमिक्स आती है, प्रीमिक्स आप जो चाहे वो ले सकते हैं, जैसे बटर स्कॉच हो गया, चोको हो गया, वनीला हो गया, ये सारे आपके फ्लेवर्स हैं, आपने फ्लेवर अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। उस 1 kg पैकेट में आपको 4 लीटर दूध डालना है, उसको अच्छे से मैशअप करने के बाद, मिक्स करने के बाद हमको इस दिए हुए कंटेनर में डालना पड़ता है। उस कंटेनर में डालोगे तो आपको ये सॉफ्टी आइसक्रीम विद इन मात्र 15 से 20 मिनट में ये सॉफ्टी तैयार हो जाती है हमारी। सर ये मशीन खरीदूंगा मैं तो इसका मैं फ़ायदा क्या है सर, कितना मैं कमा पाऊंगा और मेंटेनेंस क्या है सर इसका? अच्छा, ये बता, इस मशीन में जैसे आप एक बार एक कोन की जो मैं आपको कॉस्टिंग बता देता हूँ, इसकी जो एक कोन की कॉस्टिंग आती है, आप जैसे मार्केट में 15 रुपये इसको सेल कर रहे हैं, 15 रुपये सेल कर रहे हैं तो इसकी कॉस्टिंग सर आपको आएगी 4 रुपये की कॉस्टिंग आएगी, और इसमें आपको प्रॉफिट होगा 11 रुपये का एक कोन पे। अब वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। जो कोन की प्राइस जो होती है सर, जैसे कि आप जो कोन लेंगे वो आपकी कम से कम 80 पैसे की या फिर 1 रुपये के हिसाब से कोन आती है, और बाकी आपका जो फ्लेवर आता है, फ्लेवर की जो कॉस्टिंग होती है सर, हमारे पास ये सारे फ्लेवर हमेशा हमारे पास रेडी स्टॉक में अवेलेबल रहते हैं। जो कस्टमर हमसे ये मशीन लेता है हम उसको फ्लेवर भी प्रोवाइड कराते हैं हमेशा, वो फ्लेवर हम उसको चाहे तो वाया कुरियर वाया रेलवे जो भी उनके पास फैसिलिटी अवेलेबल होती है हम यह फ्लेवर उस तक पहुँचा देते हैं। ये फ्लेवर की प्राइस भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, ये फ्लेवर जो आते हैं ये 120 से लेके 170 तक की ये फ्लेवर की रेंज आती है। आपको पर केजी की जो प्राइस पड़ेगी एक 120 रुपये से लेके आपको 170 रुपये की इसकी प्राइसिंग पड़ती है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इस मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारा एड्रेस दिया हुआ है और हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, हमारे वेबसाइट दिए हैं, आप हमसे उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमसे इस मशीन के बारे में सारा डिटेल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।